तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट निकलकर सामने आती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाती है, जिससे कि आप सभी को सटीक, सही, ऑथेंटिक और रियल जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 87,784 शिक्षक भर्ती को लेकर बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में, जहां पर खुशखबरी है 87,784 शिक्षक भर्ती को लेकर दोबारा से जो आवेदन है वो होने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकारी दी गई है। 6 जून से इसको लेकर दोबारा से आवेदन शुरू हो जाएंगे। अब 6 जून से दोबारा से आवेदन क्यों हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है और इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, इसको लेकर इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और अब जो आवेदन करेंगे ना, उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशखबरी है, क्योंकि अगर ये आवेदन करते हैं तो इनको इस वैकेंसी में सिर्फ आवेदन ही करना है, इनकी तो नौकरी पक्की है। कैसे, इसको लेकर मैं आपको वीडियो के लास्ट में डिस्कशन भी करूंगा और पूरा विश्लेषण भी दूंगा सटीक सही जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए वापस आ जाते हैं मुद्दे की तरफ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 87,784 पदों पर जो शिक्षक भर्ती निकाली गई है, ये शिक्षक भर्ती बिहार के माध्यम से है, यानी कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 की भर्ती है। ये वही भर्ती है जिसका विज्ञापन पहले निकाला गया था, परीक्षा करवाई गई थी, लेकिन पेपर लीक हो जाने की वजह से इसकी परीक्षा को रद्द करना पड़ गया था। अब दोबारा से परीक्षा जून में ही होने जा रही थी, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, कोर्ट के माध्यम से एक नया आदेश दिया गया। कोर्ट ने एक नया आदेश देते हुए क्या कहा, वो आप सभी ने देखा था, ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है, इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल जाए क्रम में। कोर्ट ने कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के ऊपर रोक लगा दी जाती है, और ये जो रोक लगाई गई थी वो किस लिए लगाई गई थी, वो इसलिए लगा दी गई थी क्योंकि यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक थे उनको यहाँ पर वेटेज दिए जाने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया। अब इसके बाद मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, शिक्षा विभाग के माध्यम से कल देर रात को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि जो शिक्षा विभाग ने बताया कि बीपीएससी को जो आदेश मिला है पटना हाईकोर्ट का, उस आदेश के अनुपालन में 87,784 शिक्षक भर्ती के लिए हम जो वेटेज है वो देने जा रहे हैं, और जो भी यहाँ पे अतिथि शिक्षक हैं यानी कि गेस्ट टीचर्स हैं, उनको हम 25 नंबर तक का जो अधिकतम वेटेज है वो देंगे। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि इस वेटेज के साथ में हम इस मामले को लेकर एक LPA भी दाखिल करेंगे, यानी कि एक यहाँ पे जो रिट पिटीशन है वो दाखिल की जाएगी इस आदेश के खिलाफ। अब आदेश के खिलाफ रिट पिटीशन दाखिल होगी तो हो सकता है कि हाई कोर्ट इसको कहीं ना कहीं मान्य कर दे, या फिर 25 अंक की जो मान्यता है उसको रद्द भी कर सकता है। अब ये तो आदेश बाद में आएगा, वो अलग बात है, लेकिन अभी अभी एक और जानकारी आप सभी के लिए निकली है, और ये जो जानकारी है वो ये है कि 87,784 पदों के लिए दोबारा से जो आवेदन है वो लिए जाएंगे, और ये जो आवेदन होंगे वो इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी करेंगे और कितनी तारीख से होंगे, इसको लेकर बताया गया है। 6 तारीख से पहले इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे और उसके बाद में 7 तारीख तक आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी बताई गई हैं, वो आप सभी यहाँ पे देख लीजिए। फिर से होगा TRE 3 के लिए आवेदन। अब जो TRE 3 के लिए आवेदन हो रहे हैं इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली में TRE 3 के लिए 6 और 7 जून के बाद फिर से आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि इस बार केवल उनको ही आवेदन देना होगा जिनके पास गेस्ट शिक्षक का अनुभव है और वेटेज का लाभ लेना चाहते हैं। अन्य अभ्यर्थी जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया है उनको पहले से आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो अभ्यर्थी पहले से आवेदन कर चुके हैं उनको तो आवेदन करने की कोई आवश्यकता है नहीं है, लेकिन वो अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं जो गेस्ट टीचर हैं या उनके पास गेस्ट टीचर का अनुभव है और वो इसका वेटेज का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब ये तो बात हो जाती है वेटेज का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए कि अगर ये लोग आवेदन करेंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बदलाव कैसे होगा वो समझ लीजिए। एक भर्ती के अंदर अगर आप मान के चलिए कि आपकी परीक्षा 100 नंबर की हो रही है ना, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा बड़ी आसानी से। अब 100 नंबर की आपकी परीक्षा होने जा रही है, एक अभ्यर्थी जो फ्रेश है, गेस्ट टीचर नहीं है, एक वो अभ्यर्थी जो गेस्ट टीचर है, ठीक है। अब ये जो अभ्यर्थी आपस में मान लो दोनों परीक्षा देकर के आते हैं, दोनों का जो पेपर है वो अच्छा होता है ना,
80 नंबर आ जाते हैं दोनों के, ठीक है। चलो इनके 80 मान लेते हैं, इनके हम 60 ही मान लेते हैं, ठीक है। अब इनके 80 नंबर आने के बावजूद जब गेस्ट टीचर के यहाँ पे 60 नंबर आते हैं तो चयन किसका होगा? चयन यहाँ पे जो होगा वो गेस्ट टीचर का देखने के लिए मिलेगा, यानी कि जो आपको 25 नंबर का वेटेज मिलने वाला है जब आप इसको जोड़ दोगे तो इनका जो टोटल निकलेगा वो 85 हो जाएगा। यानी कि अगर आप गेस्ट टीचर से मुकाबला करने की सोच रहे हैं तो आप धर्म में हैं, यानी कि आप ये बात मान करके चलिए कि अगर आपका और मुकाबला गेस्ट टीचर के साथ हो रहा है और गेस्ट टीचर अगर क्वालिफाइंग मार्क्स को क्रॉस कर देता है तो जो उनको 25 नंबर मिलेंगे ना वो 100% उनके सिलेक्शन को सिक्योर कर देंगे। यानी कि अगर एक अभ्यर्थी पूरे के पूरे 100 नंबर लेकर के आ भी जाता है तब भी उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं ये बात कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 100 नंबर लाने के बाद अगर उसकी एक सीट पर मुकाबला गेस्ट टीचर से हो जाता है तो अगर वो गेस्ट टीचर यहाँ पे 75 नंबर भी ले आता है और प्लस उसके 25 नंबर जोड़ दिए जाएं तो भी जो नौकरी दी जाएगी वो गेस्ट टीचर को ही होगी। ये होगा सबसे बड़ा नुकसान उन अभ्यर्थियों को जो फ्रेश कैंडिडेट हैं। हालांकि अब इस मामले पे कुछ हो नहीं सकता क्योंकि अभी इस मामले को लेकर सरकार कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है और वहाँ पे चैलेंज करने के बाद ये बात तय होगी कि इनको वेटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार ने ये बात क्लियर कर दी है कि BPSC TRE 3.0 के लिए वो दोबारा से आवेदन लेंगे और इसके आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 6 या 7 तारीख को शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद में जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे गेस्ट टीचर के रूप में इसका वेटेज का लाभ लेना चाहते हैं वो आवेदन कर सकेंगे। तो फिलहाल एक बड़ी अपडेट उन सभी के लिए है जो इस भर्ती में आवेदन कर चुके हैं पहले से और बाद में आवेदन करने की उम्मीद लगा करके बैठे हैं, वो अभी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिला है जो गेस्ट टीचर होंगे। कोई भी फ्रेश कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाएगा, चाहे वो STET पास हो या फिर CTET पास हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, आवेदन करने के लिए गेस्ट टीचर्स होना आपका आवश्यक है। फिलहाल ये बात हो जाती है आपके आवेदन को लेकर, तो ये एक बड़ी भर्ती भी है। अब इसकी बात कर लें परीक्षा के बारे में कब तक देखने के लिए मिलेगी, तो अभी परीक्षा के बारे में उम्मीद है कि तय समय पर कराए जाने के लिए BPSC तैयारी कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो परीक्षा तय समय पर करवा पाते हैं क्योंकि बीच में मामला हाई कोर्ट का भी फंसा हुआ है। अगर हाई कोर्ट से परमिशन मिल जाती है तो ये परीक्षा आपकी तय समय पर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अधिक और तमाम नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें।